ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का ब्रोकन ग्लास फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज़ करूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में गाइस आपको कुछ स्टेप्स हैं जो थोड़े से गाइस आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब तक आप उस स्टेप को ध्यान से नहीं देखोगे तो गाइस आप सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। बाकी गाइस जो भी होगा मैं गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करूँगा कि आपको सिंपल स्टेप में आपको समझा सकूँ, तो बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को। एंड गाइस इसने मॉडल ने जो है गाइस पहले से ग्लास पकड़ रखा है, बट गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी ग्लास ग्लास पकड़ के फोटो क्लिक कराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे ग्लास का पीएनजी दे दूंगा, तो आप लोग सिंपली इसको ऐड कर लेना। तो गाइस मेरा मतलब कि मॉडल ले रखा है, तो इसलिए ग्लास वाला मॉडल मैंने यहाँ पे मतलब कि जिगर वांद्रा वाले को ही ले रखा है। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको जब अपना मॉडल को ऐड कर दोगे तो आपको सिंपली डन कर देना है, एंड जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ये मिल जाएगा ग्लास का पीएनजी, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड आपको क्या करना है, आपको फुल स्क्रीन करके कैसे गाइस आपको जो आपके हैंड होंगे कैसे आपको सिंपली उसके आगे इस तरीके से ऐड करना है, जैसे गाइस जो है मतलब कि पीछे का जो भी अगर आपने कुछ पकड़ा होगा तो वो हाइट हो जाए। फिर आपको उसकी ओपेसिटी कम करनी है ग्लास के, एंड इरेजर टूल में जाना है, एंड इरेजर टूल में हार्डनेस को फुल कर लेना है, साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड गाइस फोटो को जूम करके गाइस जो भी आपके हैंड वाला एरिया होगा आपको उसको फटाफट से इरेज कर लेना है, जैसे गाइस मैं यहाँ पे फटाफट इसको कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने यहाँ पे सब कुछ इरेज कर लिया है, तो अब क्या करना है, आपको जाना गाइस ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है ब्रोकन ग्लास वाला पीएनजी, जैसे कि ब्रोक है। आपको सिंपली इसको लेके क्या करना है, आपको अपने आई के पास कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है, एंड कुछ इस टाइप से, एंड अपने आई के पास कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जाना है से फिर इरेजर टूल में। आपको जब इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लोगे तो आपको इरेजर टूल में जाना है, क्योंकि जो भी बाहर के लिए आ रहे हैं ना इनको इरेज करना है। तो पहले आपको अच्छे से इसको लगा देना है, एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाकर आपको हार्डनेस फुल कर देना है, साइज को बढ़ा देना है, एंड जो साइड से जो वेस्ट वाला एरिया ये वाला आपको सिंपली इसको इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से। तो इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ, एंड आगे का जो स्टेप फिर मैं बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसको कर देना स्क्रीन ताकि एकदम ऐसा ग्लास टाइप का दिखे, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको कर देना है फिर डन, ठीक है। सो डन कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना गाइस दोबारा ऐड फोटो में, क्योंकि गाइस जो अभी आई है हमारे उसको भी चेंजेस करना है इसमें। तो अभी क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से हम लाएंगे एक आई का पीएनजी, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, पहले जाना आपको यहाँ से एडजस्ट में, आपको जाना ह्यू में, फिर आपको उसका कलर चेंज करना है। तो गाइस यहाँ से कुछ खास कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसको यहाँ पे वापस वही रहने देते हैं। हम चलते हैं यहाँ से इफेक्ट में, इफेक्ट से हम यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे। इफेक्ट में जाने के बाद आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा कलराइज वाला ऑप्शन। आपको इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइस ढूंढना ब्लू कलर, ठीक है, डार्क ब्लू। आप चाहो तो गाइस यहाँ पे कोई सा भी कलर ले सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे डार्क ब्लू ले रहा हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी कलर ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको आई के पास कुछ इस तरीके से ले जाना है, इसकी ओपेसिटी कम कर लेना ताकि दिख जाए आपको कि हाँ मतलब कि यहाँ पे आपका जो आई वाला हिस्सा है कितना रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर ऊपर का जो वेस्ट वाला एरिया होगा आपको ऐसे इरेज कर लेना है, एंड उसके बाद आपको इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। तो इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, एंड इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इसको अपने दूसरे वाला आई की तरफ ले जाना है कुछ इस तरीके से, एंड इतना कर देने के बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से रखना है, एंड चाहो तो इसकी ओपेसिटी आप यहाँ पे फुल रख सकते हो, यहाँ पे हम इसको फुल रख लेते हैं। एंड इसके बाद इतना कर देने के बाद आपको सिंपली कर देना है यहाँ पे डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो गाइस हम लाइट रूम ऐप में ले आए हैं अपने फोटो को, तो आपको क्या करना है, लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको बढ़ाना है, एंड यहाँ पर जो हाईलाइट है गाइस इसको आपको थोड़ा सा कम करना है, एंड यहाँ पर शेडो है जो गाइस इसको भी यहाँ पे कम करना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको गाइस व्हाइट, आपको जो व्हाइट है इसको यहाँ पे आपको इसको भी कम कर देना है, ठीक है, व्हाइट को भी कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है गाइस इसको भी यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर चाहो तो कम कर सकते हो, अदरवाइज आपको मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, ऑरेंज के बगल वाला कलर, आपको इसको जाके आपको ह्यू बढ़ाना है, सैचुरेशन कम करना है, एंड उसके बाद जाना है ऐसे आपको ग्रीन कलर में, आपको डार्क ब्लू में जाना है। फिर डार्क ब्लू में जाने के बाद आई का कलर है, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर आपको यहाँ पर डन करना है, एंड जाना है ऐसे कलर्स के नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना है,
एंड नीचे स्क्रॉल करना है आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ाना है। एंड इसके नीचे जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, नॉइज़ रिडक्शन बढ़ाना है। एंड इसके नीचे मिलेगा वो कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।